जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट डे की क्लिप है। हस्बैंड रोज ही पूजा करते हैं। नवरात्रि के शुरुआत के 2-3 दिन काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने शुरू में ब्लॉग नहीं किया। और वो जो हमारा एक्सपो फीवर था, वो आज 7 तारीख हो गया। आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत मन हुआ कि आज मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो देखिए, बच्चों को ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं, आज 4th डे है, स्कूल जा रहे हैं, 3rd डे है शायद ना। तो हाँ, आज 7 है, 4 तारीख से स्कूल खुल गया है। तो ये देखिए, बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं और हमारे बालकनी में जो बर्ड है उससे मिलते हैं और बस बातें हो रही हैं सुबह सुबह इन लोगों की। और कुछ ऐसे ही दांत इनका टूट गया था, उसके बारे में कुछ बता रहे थे अंश से और आद्यान। तो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ना तैयार होके ब्लॉग करना, और उसमें कुछ ऐसा हम लोग बोलते भी नहीं कि जिसको आप लोग से शेयर किया जाए, लेकिन बच्चों को आपसे मिलवाया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, खूब सारा प्यार हो रहा है। मॉर्निंग में क्या लेके जाएंगे इन लोगों का डिसाइड हो रहा है। तो मॉर्निंग की ये सारी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो मैं लेती हूँ आपसे शेयर किया। ये देखिए, बस जा रही है और बाय बाय। तो यहाँ पे देखिए, अंश का स्कूल एकदम, जैसा कि मैं बोलती हूँ, घर के सामने ही है। तो अंश बस स्कूल पहुँच रहे हैं। तो ये देखिए, सामने अंश का स्कूल है और मैं कहाँ निकलती हूँ, ये देखिए, ये देखिए एक्सपो की ये जो यादें हैं हमारी प्यारी प्यारी, इस पे लटक गया है। चलो चलते हैं। I miss expo so much. तो हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अद्दू का फीस देंगे और कुछ ग्रॉसरी, थोड़े बहुत मसाले वसाले कम हो गए हैं तो थोड़ा सा लूलू जाएंगे और लेके चलते हैं आपको। तो ये देखो, इधर ऑप्टी जहाँ जाओ वहाँ एक्सपो दिख रहा है यार। बहुत याद आ रही है एक्सपो की। है पानी भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, जैसे निशानियाँ है ना एक्सपो की सारी। बस चल रहे हैं हम लोग लुलु की तरफ और यादें आपको दिखा रही हूँ। बस लुलु पहुँचने वाले हैं हम लोग। तो भाई, हस्बैंड मुझे यहाँ छोड़ रहे हैं लुलु के सामने और जा रहे हैं फीस देने। तो इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग ना, मल्टीटास्किंग नहीं कहते, इसे कहते हैं काम डिवाइड करना। थोड़ा काम ये करेंगे, थोड़ा हम, और अध्ययन का टाइम भी हो जाएगा लेने के लिए। तो चलते हैं, तो हम लुलु चलते हैं। चलिए भाई, लुलू आ गए। लुलू ऐसे दोपहर में हम लोग आते नहीं है, लेकिन कैसा खाली खाली लग रहा है एकदम। पार्किंग भी खाली है और ये देखिए, रमादान का पूरा डेकोरेशन हो गया है। रमादान सीजन चल रहा है तो आज है 7 अप्रैल। तो ये आ गए हम लोग लुलू। तो एलिवेटर पे हूँ तो थोड़ा मैं सोच रही हूँ ऊपर चली जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ नीचे वाला सेक्शन कर लूँगी। ये नीचे वाला सेक्शन है और मैं ऊपर जा रही हूँ। ये वाला सेक्शन देखिए कितना क्लियर रखा हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग है तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है लुलु में काफ़ी सारा। और हम लोग शाम को जब आते हैं ना, तो बहुत सारा यहाँ पर फैला रहता है। अभी कितना सेट है ना, तो यहाँ पर देखिए 70% ऑफ तक मिल जाता है। और इस समय ईद है तो रमादान में काफ़ी अच्छी सेल है। एडिडास, स्केचर्स के भी काफ़ी सारे शूज़ हैं, ये देखिए। तो थोड़ा सा ऊपर मैं आ गई हूँ और ऊपर सब कुछ एकदम खाली खाली और ऑर्गेनाइज है ऊपर लुलु में। ये वाली लाइट देखो मस्त लग रही है। तो बस स्टेशनरी का पूरा सेल लगा हुआ है, ये देखिए। तो मुझे ये कॉपी नोटबुक थी, बहुत अच्छी लगी है, प्लास्टिक की कवर के, मतलब प्लास्टिक का कवर था और इसमें बहुत अच्छा कार्टून भी बना हुआ था। ये अध्ययन के लिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे देखिए, अजान की आवाज़ आ रही है। ये दोपहर के 10 बज रहे थे, मतलब वही सुबह और दोपहर के बीच का टाइम था, तो आवाज़ आपको कंटिन्यूस आती रहेगी, अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, सारा जो ईद का टाइम चल रहा है, और ये देखिए बैग कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है इंडियन वेयर का, साड़ी का। मैंने ऐसा देखा तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सूट उट जो थे बहुत ही अच्छे आए हुए थे, तो थोड़ा नज़र मारना तो बनता है। बहुत दिन बाद मैं लुलु में आई थी इस टाइम पर। यह 106 धर्म का है, मतलब लगभग इंडिया का 2000 से ऊपर। ये भी 80 धर्म,
ये 99 का। ये 79 का। इसमें सर इसमें सलवार भी है। ये वाला सूट मुझे बहुत पसंद आया। ये वाला बांधनी वाला स्कर्ट, ये देखिए। बस लेने का लालच लगता है, बुक लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले पाए। पर मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया है और मैंने देख लिया है पतिदेव जी नीचे आ गए हैं, यहाँ पे नीचे वाली सेक्शन में, और मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं तुरंत मज़ा आता है यार, कुछ ख़रीदना भी ना हो तो भी मज़ा आता है ऊपर कपड़े देखने में कहाँ है। अभी देखते हैं, गुस्सा होएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिरयानी के लिए कितना, ये तो मेरे हाथ से उठ भी नहीं रहा है, इतना बड़ा बड़ा बर्तन। ये बिरयानी का स्पेशल मुझे लगा है, ये कैसेरोल होता है, मस्त है यार, एकदम मस्त धमाकेदार है। ये देखिए इसका प्राइस भी दिख रहा है, 200-250। ये जग, वाह क्या बात है, ईद कलेक्शन मस्त है एकदम। ये देखिए, अभी तक मेरे हस्बैंड मिले नहीं हैं और मुझे मसाले खरीदने जाना, मैं उधर जाती हूँ। मेरे पास ना फ़ोन है, फ़ोन भी मैं नहीं उठाती हूँ, मैं बहुत गंदी आदत, मैं कभी फ़ोन नहीं उठाती हूँ किसी का। अभी ढूंढ रहे हैं मुझे, फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं किस तरफ है, इतना खाली खाली है ना, कोई है भी नहीं। बहुत डांट मिलेगी आज तो। ये एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है यहाँ पे, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ इस तरह का, इसी में थोड़ा और अच्छा क्वालिटी ऐसा सिंपल क्वालिटी का। तो ये ऐसे सेक्शन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप रख सकते हैं एक साथ, और ये ऐसे ऐसे करके रोटेट भी होता है। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, इसमें देखो पैटर्न भी बना हुआ है। हेलो, यही मसाला के पास हूँ। अरे भाई मसाला खरीदूँ कि तुम्हें ढूंढूँ, क्या करूँ, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। जानते नहीं हो, थोड़ा सा कपड़ा में नज़र मारने गई थी ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हस्बैंड को पता था कि ये नज़र मारने जरूर जाएंगे। समझ गए हो मुझे, मैं क्या करने जा रही हूँ। मसाले के पास हूँ, मसाले के पास। सब मेन खरीदारी करने मसालों की आई थी मैं, मसाले खरीदते खरीदते ये धनिया जीरा मरीच ये, और ये देखिए तेजपत्ता। बहुत कंफ्यूजन है भाई मसालों खरीदना, और हुआ क्या है, हस्बैंड चले गए आद्यान को लेने, क्योंकि देर हो चुकी है, 10:35 हो चुका है, और मुझे छोड़ के यहाँ पे, और फिर आद्यान को लेंगे गाड़ी में बैठा के, फिर यहाँ आएंगे। तो ये गड़बड़ हुई, मसाले खरीदने में टाइम लगता है यार, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी। ये देखो कोकोनट मिल्क मैगी का, ये क्या है पता नहीं, नई चीज़ आई है, 4 dirham का है, इंडिया में ये सब आता है, उसके बाद यहाँ आता है ईस्टर्न का कोकोनट मिल्क। बहुत सारी चीज़ों का कोकोनट पाउडर, कोकोनट मिल्क है, हम लोग कोकोनट नहीं यूज़ करते हैं, मैगी का भी है। देखो हमें ये मतलब नई चीज़ दिखाई दे रही है, ये लूलू की इलायची देखो, 100 gram 21-22 dirham का। अरे यार कश्मीरी चिली। ये देखिए मसाले खरीदने के लिए मैं नीचे बैठ चुकी हूँ, जितनी मिर्चें हैं सब नीचे रखे हैं, सोच रहे होंगे कि नीचे ऊपर से नीचे गिरेगा तो सबको मिर्ची ज़्यादा लगेगी, इसीलिए नीचे ही नीचे ज़्यादातर मैं देख रही हूँ, नीचे के साइड सब मिर्ची ही रखी हुई है, ब्लैक पेपर और मिर्ची और हल्दी पाउडर। ये देखिए येलो चिली पाउडर है, येलो भी चिली होती, मुझे पता ही नहीं था भाई येलो चिली।
ये ले लेती हूँ कश्मीरी चिली पाउडर ही ले लेती हूँ, एक खड़ा रेड चिली ले लेती हूँ, एक मैं मीन्स यही ब्रांड लेना चाहती हूँ, या तो ये ऑर्गेनिक तत्व वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, 24 मंत्रा। और लेकिन सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती एक साथ, जो है बस यही ले रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, इसको देख के समझ में आ जाता है कि रमज़ान का महीना आ गया, यहाँ पे रमादान बोलते हैं हम लोग इंडिया में, रमज़ान बोलते हैं। ये फ्रेश फ्रेश रुआब्जा, और इसमें मैं कहीं ढूंढ रही थी कि कहीं इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन वो उर्दू में ही लिखा था और अरबिक मुझे। दादू तुम स्कूल से सीधा यहाँ आ गए? हाँ। घर से पापा ले आके आए ना आपको, स्टॉप से? हाँ, बस स्टॉप से। हाँ, हैप्पी हो? क्यों बोला कि चलो शॉपिंग करने, खुद ही लेके आ गए होते। पनीर भी ले लेते हैं। ये देखिए गुलाब जल, ये कुछ चीजें हैं जो ईद में ही मिलती हैं। रोज वाटर, ब्रेड की कितनी वैरायटी है, कैसे कोई झट से शॉपिंग कर ले बताओ। एक ब्रेड भी लेना हो तो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। न्यू कार्ड मिला है। न्यू कार्ड मिल गया, वाओ, शॉपिंग कर लो। KG 1D। और इतनी सारी तरह की यहाँ रोटियां भी मिलती हैं, ये देखिए रोटी ही रोटी है, देख रहे हैं ये सारी रोटियां हैं, ये देखिए बस गरम करो और खाओ। ये वाली देखिए, एक दिरम में मुझे लग रहा है 4-5 पीस है ये, और प्राइस वैसे कम ज़्यादा है, मोस्टली 2-3 दिरम का एक पैकेट है। ये देखिए इसमें 3-4 पीस है, ये अलग तरह का है खुबूस, ये कितनी बड़ी है, ये देखिए ये इतनी बड़ी है, माय गॉड ये क्या है यार, इतनी बड़ी है। ऐसे ये भी है, ये देखिए ये सब रोटियां ही रोटियां हैं, ये खुबूस ये यहाँ पे बहुत खाते हैं, ये देखिए हाई प्रोटीन लो कार्ब्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या क्या खा लो। तो ये देखिए कितनी फ्रेश सब्जियां हैं, सुबह आके मतलब अपना खुद का गाड़ी चलाते रहो, अपने से आना हो अगर कहीं पे, हम लोग तो हस्बैंड के भरोसे रह जाते हैं ना कि जब आएंगे, जब शाम को चलेंगे, रात को चलेंगे, तब जाएंगे शॉपिंग करने, ये सब हो जाता है। अगर अपने से आना हो तो सुबह सुबह आ जाओ, कितना भरा हुआ सा लग रहा था और एकदम फ्रेश सब्जियाँ सब कुछ, इतना मुझे अच्छा लगा देख के। कि ये एक टिप हो सकती है कि जिसको लेना है सुबह सुबह आ जाओ और अपनी शॉपिंग करके अपने घर चले जाओ, तो शाम का जो टाइम होता है ना हम लोग तो रह जाते हैं हस्बैंड के भरोसे। सूरन खाओगे क्या? सूरन खाने का मन हो गया है? कद्दू, ये अद्दू है और ये कद्दू है, अद्दू। बुला रही हूँ किसी को, कोई आए कुछ दे, तो अद्दू कह रहे हैं मैं यहाँ पे हूँ, मैं देता हूँ आपको। अद्दू नहीं 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 टच नहीं करना, अभी अंकल आएंगे पिट्टी करेंगे। क्या इलाका लग रहा है भाई, बस खाओ पियो पेस्ट्री नमकीन। और ये देखिए स्पेशल यहाँ की मिठाइयाँ, ओ वाओ। अद्दू इसको क्या बोलते, बकलावा ना, ये वाला दीजिए। और ये वाला जो मिल्क केक एक मिलता था वैसा लग रहा है, लेकिन ये कुछ और मिठाई है, हरीसा विथ कोकोनट हरीसा। क्या मस्त है भाई, इलाका ही जानदार है। ये देखिए नमकीन नमकीन, ये देखो अद्दू इतनी सारी नमकीन है, ये मिठाई जैसा लग रहा है लेकिन ये वो है बिस्किट है, ये कुछ हम लोगों के यहाँ मिठाई इंडिया में मिलता है ऐसा ना, पेड़ा ये, लेकिन बिस्किट है ये देखो, ये सारे बिस्किट हैं। ये वाला चाहिए चॉकलेट वाला। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि इस सबको आप पहले चख भी सकते हो। थैंक यू, पकड़ो, चलो भाई चलो बिलिंग कराते हैं। अद्दू की ट्राली में भी कुछ है क्या, कुछ है क्या अद्दू, कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम दिख रहा है अद्दू के ट्रॉली में? हाँ महाराज अद्दू की जय हो। बोलो, बोलो।
दादू ये देखो तुम्हारा गिफ्ट है, ये मम्मा ऊपर गई थी खरीद के लाई है, झोला दिखाओ। ये से थैंक यू मम्मा। बहुत ही गर्मी है अद्दू, अद्दू महाराज इतनी गर्मी है ना। एंजॉय करो बाबू। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ये खा रहे हैं, इतना लाजवाब लग रहा है। मेरा फेवरेट एक मिठाई है यूपी में मिलता है लौंग लता, जैसे लग रहा है उसका मतलब उसके जगह पे मैंने ये ऑप्शन ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से मैं आके लौकी और आलू का बस ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है मैंने, और बस हम लोगों का खाना खा के हो गया है। तो ये देखिए जो जो मैं लाई हूँ जल्दी से दिखा देती हूँ, क्योंकि गैस पे ऐसा रख देती हूँ ना मतलब प्लेटफॉर्म पे, तो तुरंत ही मुझे काम करना रहता है तो तुरंत ही हो जाता है, नहीं तो टल जाता है। ये देखिए अभी मैंने जो सब्जी बनाई, तो इसमें तेजपत्ता और जीरा मैंने काट लिया क्योंकि ये दोनों आइटम एकदम से ख़त्म था। तो ये देखिए टाटा का नमक और ये मरीच, और ये देखिए वही मरीच मुझे इतना बड़ा नहीं मिला इसमें ऑर्गेनिक में, तो ये यही मिक्स मैच लेना पड़ता है क्योंकि चीज़ें नहीं मिलती हैं टाइम पे, और मुझे इसे मसाला बनाना है जैसा कि मैं बताती हूँ वो मसाला मुझे बनाना है। तो ये देखिए बड़ी इलायची है, ये शाहजीरा है, इमली है, ये ड्राई फ्रूट जो डेली यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो इस समय ईद पे ड्राई फ्रूट इस समय ऑफ़र बढ़िया लगा हुआ है। शुगर ब्रेड और ये सेवैयाँ, ये वाली सेवैयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ये रोस्टेड रहती हैं ये वाली। हम यहाँ पे कुछ और भी फिरनी पता नहीं क्या बोलते हैं हम लोग, सेवई ही बोल के लेते हैं। और ये देखिए मीट एंड वेजिटेबल का ये मसाला, गरम मसाला पाउडर, ये जीरा मैंने 2 पैकेट लिया हुआ है, ये इलायची और ये खड़ा वाला, ये देखिए इसका ये मिल गया मुझे ऑर्गेनिक वाला। डेट भी देखना पड़ता है ना, नज़दीक वाला रहना चाहिए, बहुत 1 साल पुराना रहता तो अच्छा नहीं रहता। और ये इन लोगों का मैक्रोनी, ये दो तरह का, ये दो एक तरह का है और ये अलग से, ये ट्विस्टेड वाला है ऐसा वाला। तो यही हमारी शॉपिंग है और इसको फटाफट से मैं रख दूंगी, थोड़ा बस किचन में अभी काम है, सब लोग खाना पीना खा रहे हैं, यही सब हो रहा है। खोज रहा था, खोज खोज के थक गया, तो सिक्योरिटी वाला बोलता है सर क्या खोज रहे हो, उन्होंने कहा मैं अपनी वाइफ को खोज रहा हूँ, कह रहे आप नहीं मिलेंगी तो अनाउंसमेंट करवा दो, मैंने कहा नहीं यार अनाउंसमेंट नहीं करवाऊंगा, फोन उठाएंगी वो कहीं होंगी अभी सामान वामान ले रही होंगी। इनको पता था कि इनकी बीवी चली गई होगी शॉपिंग करने ऊपर नीचे कुछ, वो भी मेरे साथ जो देख रहा है कैसे कैसे कपड़ा पहनी, हमने कहा भाई गायब नहीं हो सकती यार इतना टेंशन मत लो, वो मिल जाएंगी कहीं होंगी। तो ऐसा रहा आज का दिन, और सामान मैंने थोड़ा बहुत अभी रखना शुरू किया है, अभी रखूंगी, और बहुत अच्छा सा एक ब्लॉग आने वाला नवरात्रे का, तो आप देखिए। और वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगा, ये कभी गुस्सा ही नहीं होते, कभी किसी बात पे गुस्सा नहीं होते। बहुत सारे मतलब लोग होते हैं जो डरते रहते हैं, अभी हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे आए, मैं अगर शॉपिंग पे जाऊँ मॉल में सुबह से शाम भी कर दूं तो ये गुस्सा नहीं होते, नहीं कैमरे पे बोलो, गुस्सा भी करना भी नहीं चाहिए ना, क्या करके गुस्सा, क्यों नहीं गुस्सा करना चाहिए यार, लोग बहुत ज्यादा भैया शांति बना, इसका क्या नुकसान होता है। जैसे मैं इंडिया में जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे टाइमिंग का मुझे कुछ रहता नहीं है कि यहाँ पे तो वैसे भी 12-1 बजे है मॉल में, तो कोई फर्क नहीं। तो मैं इंडिया में अगर 8-9 पे बज जाते हैं ना, तो किसी के साथ आई हूँ तो सब कहते हैं अरे इतना टाइम हो गया मॉल में क्या कर रही हो, मैंने कहा अभी कहा मतलब हमारा जब हो जाएगा तभी तो जाऊंगी। तो मुझे वो रिलैक्स होके शॉपिंग करने की आदत पड़ चुकी है इनके साथ, कोई मतलब बोलता ही नहीं है कि कितने टाइम में आपको निकलना है, कोई अर्जेंट काम होता है तभी मैं बोलता हूँ, अर्जेंट रहता है तो वो पता रहता है, ऐसे में थोड़ी की लापरवाह थोड़ी हूँ कि मतलब अर्जेंट रहता है तो जाती नहीं हूँ, या मतलब काम है पता है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, कोई काम है इनकी कहीं मीटिंग है मॉल में, इधर उधर हमें छोड़ दिया और वहां पे मीटिंग कर लिया, उसके नियर जो मॉल है उसमें चले गए, ऐसा ऐसा भी होता है। तो काम और शॉपिंग और चीजें साथ साथ चलती रहती है नहीं yes. तो ऐसा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और बस स्कूल चल रहे हैं यही सब चल रहा है, और ब्लॉग्स आते रहेंगे, आप एंजॉय करो, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो अभी अध्ययन का थोड़ा सा बाकी है, कौन सा तू लाइक शेयर वाला, हाँ चलो बोलो लाइक शेयर। Guys.
बाय बाय। कुछ भी आप बोलना नहीं, सब कुछ करना है। बाय बाय बाय।